हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशा। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर आपके बेबी को टीदिंग हो रहा है तो आप उसको आसानी से कैसे सुला सकते हैं। आज मैं एक और प्रॉब्लम के साथ हाजिर हुई हूँ जिसका सॉल्यूशन है मेरे पास, जो कि है कि ज्यादातर पेरेंट्स के दिमाग में ये टॉपिक होता ही होता है कि क्या बच्चों को रोज डायपर पहनाना सही है, क्या उनको रोज डायपर पहनाने से उनकी स्किन खराब हो जाती है। चलिए आज उस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को कौन कौन सी चीजें हैं जिससे जिसका ध्यान ना रखने से उनको डायपर रैश हो जाता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उस डायपर रैश को ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ होम रेमेडीज भी, और डायपर रैश को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि ताकि बच्चों को डायपर रैश हो ही ना। दोस्तों, ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये चीज हमेशा ही रहती है कि जैसे ही हमारा न्यू बेबी जन्म लेता है, हमें बहुत सारी सलाहें दे दी जाती हैं कि बच्चे को डायपर रैश हो जाएगा, बच्चे को स्टार्टिंग में 40 डेज तो कम से कम उसे नैपी में ही रखें, बच्चे को डायपर ना पहनाएं, डायपर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बट ये सारी मिथ्स है, ये सारी अंधविश्वास है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें तो हमारे बेबी को हम डायपर रैश से भी बचा सकते हैं और उन्हें उनका जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, नैपीज जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है, बट नैपीज में भी अगर बच्चे को ज्यादा देर तक अगर आप छोड़ दें, उसने सुसु कर लिया है, उसने पॉटी कर लिया, तो आपने अगर ज्यादा देर तक छोड़ दिया तो उससे भी उसको रैशेज होने के चांसेस होते ही होते हैं। बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे डायपर रैश हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है दोस्तों वेटनेस। वेटनेस मतलब कि अगर आपके बच्चे का जो डायपर एरिया है वहां पे अगर आप ज्यादा देर तक डायपर उसको पहनाया हुआ छोड़ दें, या तो उसने पॉटी कर ली हो तो आप उसको ज्यादा देर तक छोड़ दें, उसने उसका डायपर भर चुका है सुसु करके और तो भी आपने उसको छोड़ रखा है, तो वो एक रीजन बन सकता है डायपर रैश का। क्योंकि और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आपने अपने बच्चे को अगर ध्यान ना दिया हो और उसने पॉटी कर ली हो, और पॉटी करने के बाद काफी देर तक वो उसकी पॉटी डायपर के साथ ही रह जाए तो वो अमोनिया बैक्टीरिया पैदा कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा चांसेस हैं डायपर रैश होने के। दूसरा है टाइट डायपर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायपर जो डिस्पोजेबल डायपर्स जो मार्केट में हमें मिलते हैं उसमें हमेशा ही बच्चे का वेट और बच्चे का वेट के हिसाब से और उसके कौन सी एज में चल रहा है उस हिसाब से उसको डायपर प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम ये गलत साइज का डायपर अगर अपने बच्चे को पहना देते हैं और वो सपोज बहुत टाइट है तो वो ब्रीदेबल नहीं हो पाएगा, इतना ब्रीद नहीं कर पाएगा बच्चा, हवा आर पार नहीं हो पाएगी, तो उससे डायपर रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तीसरा है केमिकल। केमिकल कह सकते हैं कि केमिकल सेंसिटिविटी, ज्यादा कुछ बच्चों में ऐसा होता है जिन्हें जिनको केमिकल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि उन्हें थोड़ी सी भी चीजें जो एलर्जी कर देती है। जैसे अगर आप क्लोथ डायपर यूज करते हैं तो आपने वॉश करते टाइम पे अगर नॉर्मल डिटर्जेंट यूज कर लिया है तो उससे बच्चे को एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ बेबी वाइप्स जो आते हैं उनमें अल्कोहल होता है, अल्कोहल होने की वजह से वो बच्चे का स्किन जो सेंसिटिविटी के को ना ज्यादा बढ़ा देता है और ज्यादा एलर्जी कर देता है, इस वजह से बच्चों को डायपर रैश हो जाते हैं। दूसरा है, चौथा है न्यू फूड्स। जब भी हमारा बच्चा 6 मंथ से अबव हो जाता है हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उसको कुछ उसे सॉलिड स्टार्ट करवाने के लिए। उस टाइम पे जब हम उसको नवे नवे फूड्स देते हैं, जब नए नए सॉलिड्स देते हैं, हमें नहीं पता कौन सी फूड में क्या उसको इन्फेक्ट कर सकता है, उस टाइम पे अगर ध्यान ना दिया जाए और उसको कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक फूड उसके पेट में चला जाए तो भी डायपर रैश होने के चांसेस होते हैं। ईस्ट और बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जैसे जो डायपर जो एरिया रहता है वो ज्यादातर पैक रहता है और वो गर्म होता है। आपने नोटिस किया होगा कि हम जब भी अपने बच्चे को डायपर पहनाए होते हैं
वो एरिया वार्म रहता है, हमेशा गर्म रहता है, तो गर्मी जो है वो ईस्ट को और बैक्टीरिया को पैदा होने का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, इसके लिए डायपर रश होने के चांसेस उसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मीन्स या तो बहुत ज्यादा आपके बच्चा, कोई कोई बच्चे होते हैं जो 7 महीने में ही पैदा हो जाते हैं, या फिर कुछ बच्चों में कुछ प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पे डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो एंटीबायोटिक्स पे चले जाएं। अगर आपका बच्चा एंटीबायोटिक्स पे है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके बच्चे को डायपर रैश हो गया होगा। ओके, ये तो हमने बात करी कि डायपर रैश होता कैसे, अब बात करते हैं कि उसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला ट्रीटमेंट है कि आप अपने बच्चे का, जब आपके बच्चे को डायपर रैश हो गया हो उस टाइम पे सबसे पहला तो आप डायपर रैश क्रीम लगा सकते हैं, जो कि मोस्टली अवेलेबल होती है सब जगह पे। आप सभी जानते होंगे डायपर रैश क्रीम के बारे में, किसी भी फार्मेसी केमिस्ट से भी आप जाके ले सकते हैं, बट बेस्ट रहता है कि आप एक बार डॉक्टर की सलाह लेकर ही कोई भी डायपर रैश क्रीम लें। ओके, सो फर्स्ट तो हो गया। सेकंड है कि आप अपने बच्चे को, जब भी आप के बच्चे को डायपर रैश हो गया उस टाइम पे, उसको बहुत अच्छे से क्लीन करें, उसे बेबी वाइप्स यूज ना करें, उसे साफ पानी से, वार्म वाटर जो होता है, ल्यूक वार्म वाटर, ज्यादा गर्म नहीं, ल्यूक वार्म वाटर से उसे, उसके एरिया को क्लीन करें, एंड उसके बाद उसे पैड ड्राई करें। पैड ड्राई मीन्स कि आप उसे ऐसे रगड़े ना, क्योंकि और ज्यादा फिर इरिटेशन होगी और ज्यादा उसको दर्द होगा बच्चे को, उसे ऐसे ऐसे पैड ड्राई करें, उससे क्या होगा कि बच्चे को, और उसको ना खुला छोड़ दें हवा में, ताकि वो एयर ड्राई हो जाए अच्छे से वो एरिया, तो ही तो उससे आप बच्चे को जल्दी डायपर से छुटकारा दिला सकते हैं। दूसरा है कि आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप उस टाइम पे, जब कभी भी, एक और बहुत खास चीज है ये कि आप जिस टाइम पे उसे डायपर रैश हो चुका हो उस टाइम पे उसे डायपर्स ना पहनाए, थोड़े टाइम के लिए उसे नेकेड रहने दें, ऐसे ही खुला छोड़ दें, तो उससे जो हवा का वातावरण है ना, उससे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे लिए जो लाभकारी हैं, बच्चों को आसानी से मदद करेंगी डायपर रैश से छुटकारा पाने के लिए। उसके अलावा कुछ होम रेमेडीज हैं, जैसे कि है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल रैशेज से छुटकारा पाने का एक सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट जो है वो कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल जब गर्मी में ठंडक देता है और ठंडी में गर्माहट देता है, ये कोकोनट ऑयल की खासियत होती है। सो ज्यादातर लोग बच्चे के लिए ज्यादातर हमेशा ही कोकोनट ऑयल को ही प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे कोकोनट ऑयल एक बहुत अच्छा स्रोत है, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने बच्चे के डायपर रैश के ऊपर। दूसरा है शेया बटर। शेया बटर जो है वो काफी अच्छा माना जाता है फॉर बेबी रैशेज, एंड जो मदर्स होती है, जो वाइल दे आर प्रेग्नेंट, जो प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम पे उन्हें स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर भी आप ये शेयर बटर लगा सकते हैं। और एक और चीज कर सकते हैं, जब आप थर्ड मंथ आपका जब स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम से अगर आपने शेयर बटर लगाना स्टार्ट किया तो आपको स्ट्रेट मार्क्स होते ही नहीं है। सो ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरा है कि वार्म बाथ, मतलब बच्चे को जब भी नहलाएं तो थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर से ही नहलाएं, तो ही और वो जो उसका एरिया है उसे हमेशा थोड़े गर्म गुनगुने पानी से ही साफ करें। चौथा एक रेमेडी है कि ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं घरों में, हमारे घर में भी एक बार हमने यूज किया था, मेरी बच्ची को एक बार हो गया था डायपर रैश, तो उसके लिए हमने यूज किया था, जो है घी, घर का बना हुआ देसी घी, उसको भी आप डायपर रैश एरिया में यूज कर सकते हैं, वो भी काफी आराम देता है बच्चे को और उसे आसानी से सोने में भी मदद कर देता है। मैंने अपने बच्ची को रात को लगाया था तो वो आराम से सो गई थी। ये तो ये कुछ है होम रेमेडीज या और ट्रीटमेंट्स जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे का डायपर रैश ठीक हो जाए। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं कि हम ऐसा तो क्या करें जिससे बच्चे को डायपर रैश हो ही ना, उसे इस प्रॉब्लम से जूझना ही ना पड़े। उसके लिए हम एक और बहुत अच्छी चीजें जो है मेरे पास, मैं बता सकती हूँ आपको, वो है कि मेंटेन ड्राइनेस। मीन्स आपको हमेशा इंश्योर करते रहना है कि आपका जो बेबी का डायपर एरिया है वो हमेशा ज्यादातर ड्राई ही रहे।
उस ड्राई रखने के लिए आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप ना हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। हाइजीन मेंटेन मींस आप समय समय पे अपने बच्चे का डायपर चेंज करते रहे। डॉक्टर्स के हिसाब से अगर आप अपने बेबी को डायपर पहनाते हैं तो कम से कम दिन में 8 times 8 बार उसका डायपर चेंज होना चाहिए। वरना तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हर 2-3 घंटे में आप चेक करते रहे कि उसका डायपर भर तो नहीं गया है और आप उसे चेंज कर दें। अगर आपको डिस्पोजेबल डायपर्स में जाना है तो डिस्पोजेबल डायपर्स में कुछ डायपर्स ऐसे भी आते हैं जिसमें डायपर इंडिकेटर होता है, उससे आपको पता चल जाता है कि आप बच्चे का डायपर भर चुका है, अब उसे चेंज कर देना है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है रैशिश से लड़ने के लिए। दूसरा है कुछ डायपर्स, अभी तो ज्यादातर डायपर्स ऐसे आते हैं जिसमें एंटी एलर्जी क्रीम होती ही होती है, जिससे बच्चे को आप अपने डायपर रैशेज से बचा सकते हैं और उससे स्किन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो बोलते हैं कि स्किन खराब हो जाती है डायपर पहनाने से, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें ज्यादातर डायपर्स में एलोवेरा जेल भी अभी दिया जाता है ताकि आपके बच्चे का जो स्किन है, एलोवेरा तो वंडर्स करता है हमारी स्किन में, सो वो आपकी बच्चे की स्किन को मेंटेन और वैसा अच्छा रखने के लिए काफी मदद करता है। तो एक वो चीज आप कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे का जो डायपर एरिया है, जब उसने पॉटी कर दी होती है या फिर सुसु कर दी होती है, जब अभी आप अपने बच्चे का डायपर चेंज करते हैं, उस टाइम पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप उसको अच्छे से साफ कर लें, पानी से ही धोएं, वाइप्स इतने ज्यादा यूज ना करें। आप वाइप्स को कभी बाहर जाते हैं जहाँ पे आपको पानी नहीं मिल सकता है, उस जगह के लिए ही रखें। नॉर्मली आप घर में तो पानी से ही बच्चे का एरिया धोएं, वही बेस्ट ऑप्शन है। अच्छे से आपने पानी से धो दिया और उस जगह पे कोई सोप वगैरह भी ना लगाएं, कोई जरूरत नहीं होती है हमें, अच्छे से आप पानी से साफ कर देंगे तो हो जाएगा और उसे एयर ड्राई होने दें। उसके बाद ही आप बच्चे को डायपर दूसरा पहनाए, वरना तब तक ना पहनाए। और दूसरा है कि आप जब भी अपने बच्चे के लिए सॉलिड स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे आपको एक चीज का जो बहुत ध्यान रखना है वो है कि आपको अपने बच्चे को एक एक करके सॉलिड स्टार्ट करने हैं। जैसे आज आपने अगर उसे बनाना दिया है तो वो बनाना को आप बनाना ही रखें, दूसरे दिन भी बनाना ट्राई करें। 2 दिन कम से कम अपने बच्चे पे एक फ्रूट को ट्राई करें, जिससे कि क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि उससे उसको कोई एलर्जी तो नहीं, उसे वो सूट कर रहा है कि नहीं। इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा आपके बच्चे को, इससे आप डायपर रैश भी बचा सकते हैं बच्चे को। दूसरा है कि अगर आप क्लोथ डायपर्स यूज करते हैं तो उसको बहुत जरूरी है कि आप उसे अच्छे से धोएं। जो अडल्ट डिटर्जेंट आते हैं उससे ना धोएं। बच्चों के लिए स्पेशली डिटर्जेंट आते हैं, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उन्हें यूज करें। उसकी रैंकिंग देख के आप जैसे भी चाहें यूज कर सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से ही यूज करके और डायपर को क्लीन करें अच्छे से। और ज्यादा कोशिश करें कि आप अपना जो बच्चे का डायपर है, अगर क्लोथ डायपर है, तो उसे धूप में सुखाएं। धूप एक बहुत अच्छा चीज माना जाता है कि जिससे सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं। इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरी जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।